हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th क्लास चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, वुमेन एंड रिफॉर्म्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ वुमेन राइटर्स इन इंडिया, एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ रुकैया शेखावत हुसैन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पंडिता रमाबाई एंड लीला नाग। After that, we will discuss about the impact of the reform movement, ban on female infanticide, marriage act, and widow remarriage. So, first of all, let us see the role of the Pandita Ramabai. Pandita Ramabai was the founder of Arya Mahila Samaj. How she taught the women of the deprived classes. She went to America, where an association was formed to find schools for child widows. Let us see, Pandita Ramabai was the founder of the Arya Mahila Samaj. Through this, she taught the women of the deprived classes. She went to America, where an association was formed to taught child widows. Pandita Ramabai Arya Mahila Samaj ke founder thi, jiske dwara unhone deprived classes ki women ko shiksha di, and then she went to America, where an association was formed, jahan par unhone ek association banai, jisme vidhva bachcho ke liye school khole gaye. Now see the role of Leela Nag. She was also a prominent lady who played a prominent role in the women's movement in West Bengal. She set up the Pali Sangha with an objective of enhancing women's education in 1923. Leela Nag ne women के आंदोलन में ईस्ट बंगाल में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। उन्होंने दीपाली संघ की स्थापना की इस उद्देश्य के साथ कि वुमेन एजुकेशन को वो बढ़ाएंगे। शी आल्सो फाउंडेड ए स्कूल नेम्ड दीपाली स्कूल एंड 12 अदर कॉस्ट फ्री प्राइमरी स्कूल्स। उन्होंने एक दीपाली वुमेन स्कूल खोला और 12 अदर कॉस्ट फ्री प्राइमरी स्कूल्स खोले। For the benefit of female students, she established a women's hostel in Kolkata from now we call it Kolkata. उन्होंने women students की benefit के लिए women hostel Kolkata में खोला. She was also the founder of the Mahila Atm Raksha Fund to safeguard women from attacks. वह महिला आत्म रक्षा फंड की founder थी जो वुमेन्स को अटैक से डिफेंड करना सिखाती थी। शी आल्सो एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन नोन एज गन शिक्षा परिषद। उन्होंने गन शिक्षा परिषद नाम का एक इंस्टीट्यूशन भी खोला। हर लिटरेरी एक्टिविटीज एज एन एडिटर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन मैगजीन जय श्री वर डिवोटेड टू वुमेन इशूज। उनका एक इन्फ्लुएंशियल प्रभावित करने वाली मैगजीन थी जिसका नाम जय श्री था। उस मैगजीन को उन्होंने वुमेन्स के इशू पर डिवोट किया था। सो इन दिस वे लीला नाग हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ द वुमेन्स। नाउ सी इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ सती, सती प्रथा का अंत करना, दबाना। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग 1815-18 देर वॉज 800 केसेस ऑफ सती इन बंगाल अलोन। अगर हम अकेले बंगाल की बात करें तो उसमें भी 800 से ज़्यादा केसेस सती प्रथा के थे। इन 1829 moved by the public led by Raja Ramon Rai against this illegal practice, Governor General Lord
विलियम बेंटिक अबॉलिश्ड सती एंड मेड इट पनिशेबल ऑफेंस। पब्लिक आउटक्राई से मूव होकर दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर राजा राममोहन राय ने इसे इलीगल प्रैक्टिस करार किया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा को ख़त्म कर दिया और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस करार किया। नेक्स्ट इज बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड पर बैन लगाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एक्ट इन 1795 एंड इन 1804 दैट बैन फीमेल इन्फेंटिसाइड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1795 और 1804 में एक गवर्नमेंट एक्ट पास किया जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लगा दी गई, बट इट इज स्टिल इन प्रैक्टिस, लेकिन ये आज भी चल रहा है। नेक्स्ट इज मैरिज एक्ट। इन 1860 गवर्नमेंट पास एन एक्ट टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज। 1860 में गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज फिक्स की। इट वाज द शारदा एक्ट ऑफ 1929। ये शारदा एक्ट था 1929 का, विच क्लियरली फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एट 18 एंड 14 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, जिसमें गर्ल्स के लिए मैरिज की उम्र 14 ईयर्स और बॉयज के लिए 18 ईयर्स रखी गई। नाउ विडो रीमैरिज। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक लाइक राजा राममोहन राय एंड ईश्वरचंद विद्यासागर कैंपेन्ड इन फेवर ऑफ ए विडो रीमैरिज। सामाजिक सुधारक राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवापूर्ण विवाह के विरुद्ध प्रचार किया। विधवा विवाह के पक्ष में प्रचार किया। इट वॉज फाइनली इन 1856 दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास एन एक्ट अलाउइंग हिंदू विडोज टू रीमैरिज। 1856 में फाइनली उपनिवेशी गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पास किया गया जिसके अंतर्गत हिंदू विडोज को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी गई। टुडे विडो रीमैरिज इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। आज भारतीय समाज में समाज के अंदर विधवापूर्ण विवाह को स्वीकार किया गया है। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी। थैंक यू।